मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने IIT कॉलेज बाजपुर में अध्यापकों की कमी होने को लेकर IIT कॉलेज के प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में IIT फोरमैन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में बाजपुर IIT कॉलेज में एकत्रित हुए और IIT फोरमैन को ज्ञापन सौंपा। संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में मांग की है कि IIT कॉलेज में लगभग 200 से अधिक छात्र हैं और उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक मात्र 3 हैं। अध्यापक कभी कभी छुट्टी पर चले जाते हैं, इसके चलते और भी अध्यापकों की कमी रहती है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी नहीं हो पा रही। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की उत्तराखंड सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी की जा सके। इस मामले में फोरमैन यशपाल सिंह का कहना है कि कुछ अध्यापकों को कोर्ट के आदेश से उनको हटा दिया गया है, उसके स्थान पर कोई भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके चलते अध्यापकों की कॉलेज में कमी है। उन्होंने बताया कि इस माह में विभाग द्वारा ट्रांसफर की सूचना मांगी गई है, इस माह के अंत तक अध्यापकों की कमी पूरी हो सकती है। देखिए बाजपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। छात्रों के माध्यम से पता चला है कि यहाँ बाजपुर ITI कॉलेज में टीचर्स की कमी है। यहाँ स्टूडेंट 200 से ज़्यादा हैं और टीचर्स मात्र 3 हैं। उसमें भी किसी वजह से कभी कोई टीचर जो छुट्टी पे जाते हैं तो उस वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो हमने यहाँ पे ये मांग किया है कि जो गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मार्क्स बेसिस उनका यहाँ पे चयन होता है, उन बच्चों को जो एक अच्छी एक सपना लेके आते हैं कि हम कुछ टेक्निकली पढ़ के अच्छा बनेंगे, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। एडमिशन तो हो जा रहा है बट उनके ज्ञान में कमी हो रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि जो भी टीचरों की कमी है, तो अगर 7 से 10 टीचर होने चाहिए यहाँ पे, जबकि 3 टीचर हैं, तो उनकी कमी पूरी की जाए, सारे टीचरों की नियुक्ति की जाए। पहले कुछ टीचर थे भी तो वो अभी किसी कारण से कोर्ट के आदेश से हटा दिए गए हैं, जबकि सरकार ने उनके जगह पर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करी है। तो हमने एक ज्ञापन दिया है जो कि राज्यपाल तक जाएगा कि यहाँ पे टीचरों की कमी पूरी की जाए और उसके अलावा जो भी बाकी व्यवस्थाएं हैं, चाहे लैब की हो या क्लासरूम की हो, सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाए। हमारे यहाँ कुछ ना ये IMC से टीचर रखे गए थे तो कोर्ट के आदेश पर उनको हटा दिया गया। तो आप लोग मिलने आए थे कि हाँ बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो वो मामला है। ये तो छात्र है हमारे यहाँ, प्रेजेंट टाइम में 3 टीचर है हमारे पास। हाँ दिक्कत तो होती है, लेकिन ये है कि ये महीना जो है ना वो ट्रांसफ़र की सूचनाएं मांग रखी हैं ऊपर हमारे अधिकारियों ने, तो ये महीना ट्रांसफ़र का ये हो सके संभवतः इस 10-5 दिन में व्यवस्था हो जाएगी।